कीमती चीज़ें खोने का दर्द क्या होता है ये वही जानता है जिसकी चीज़ें गुम हो गई हों। लेकिन जब वो वस्तु किसी के द्वारा मिल जाती है तो अपार खुशी भी मिलती है। जी हाँ, ये बात हो रही है एडी स्टोकोए की। बता दें कि 73 साल के इस पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर की शादी की अंगूठी 52 साल पहले खो गई थी। यह क्रीज पर बल्लेबाजी करते हुए स्टेडियम में खोई थी। यह घटना मार्च 1966 की है जब वह काउंटी डरहम में शॉर्टली ब्रिज क्रिकेट क्लब की तरफ से खेल रहे थे। यह अंगूठी शादी के वक्त उनकी पत्नी जीन ने पहनाई थी। हाल ही में एक महिला उसी स्टेडियम के पास अपने कुत्ते के साथ घूम रही थी। इसी दौरान कुत्ते ने कीचड़ में से इस अंगूठी को ढूंढ निकाला जिसकी तलाश एडी को 52 साल से थी। रिंग वापस मिलने के बाद जीन भी बहुत खुश हैं। अब दोनों के हाथों में वेडिंग रिंग देखी जा सकती है। इस घटना को याद करते हुए एडी कहते हैं, जब रिंग खोई तो वाइफ ने मुझे नई रिंग खरीद कर देने का ऑफर दिया था, लेकिन मैंने मना कर दिया। मेरा मानना था कि पहले वाली रिंग की तरह कोई और हो ही नहीं सकती। शायद इसे ही सच्चा प्यार और मोहब्बत कहते हैं कि रिंग के खो जाने के बाद भी दूसरा रिंग पहनना गंवारा नहीं हुआ। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।